सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसे कि हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया कि एक्सप्रेशंस क्या होती हैं और उनकी कुछ एग्जांपल्स को जो है वो डिस्कस किया, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर प्रिसिडेंस इन सी क्या होती हैं और उनकी जो है वो कुछ एग्जांपल्स के बारे में हैं डिस्कस करेंगे। मैं हूँ हैदर अली, आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वी ट्यूशन चैनल की तरफ से। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जो कि आज हमारा लेक्चर होने जा रहा है चैप्टर नंबर 5, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस में लेक्चर नंबर 3। इसमें हमारे पास आउटलाइंस आ जाती हैं ऑपरेटर प्रिसिडेंस इन सी क्या है और कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो हम इसकी यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन सी हैं। ओके, व्हाट इज ऑपरेटर प्रिसिडेंस इन सी? ऑपरेटर प्रिसिडेंस इन सी रेफर्स टू द ऑर्डर इन विच ऑपरेटर्स आर इवेल्युएटेड इन एन एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ऑपरेटर प्रिसिडेंस सी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि वो ऑपरेटर्स होते हैं जिन जिनको जो है वो हम एक एक्सप्रेशन पर इवेल्युएट कर रहे होते हैं, यानी कि ऐसी एक एक्सप्रेशन जिसमें हम सबसे पहले किसी वैल्यू को किसी ऑपरेटर्स की मदद से सॉल्व करते हैं वो हमारा ऑपरेटर प्रिसिडेंस कहलाता है। सी हैज अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स फॉर ऑपरेटर प्रिसिडेंस विच डिटरमिन द ऑर्डर इन विच द ऑपरेशन इन एन एक्सप्रेशन आर परफॉर्म। यानी यहाँ पे वही बात बता रहे हैं कि एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स होता है ऑपरेटर प्रिसिडेंस के लिए जिसमें हम किसी भी ऑपरेशन पर, यानी एक एक्सप्रेशन पर जो ऑपरेशन अप्लाई किए जा रहे होते हैं वो परफॉर्म करते हैं कि किस एक्सप्रेशन को हमने पहले सॉल्व करना है ऑपरेटर की मदद से या ब्रैकेट्स की मदद से देखा जाता है। ये चीजें जो है वो हमारी ऑपरेटर प्रिसिडेंस में आ जाती हैं। व्हेन इवेल्युएटिंग एन एक्सप्रेशन सी फर्स्ट इवेल्युएट्स द हायर प्रिसिडेंस ऑपरेटर्स बिफोर द लोअर प्रिसिडेंस वंस। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब भी हम सी एक्सप्रेशन के अंदर कोई वैल्यू को जो है वो इवेल्युएट करवाने जा रहे होते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास हायर प्रिसिडेंस ऑपरेटर्स होते हैं उनको हम इवेल्यूएट करवाते हैं, देन हमारे पास जो है वो लोअर प्रिसिडेंस की वैल्यूज को कंसिडर किया जाता है। यहाँ पर हम इसकी एक एग्जाम्पल्स समझ लेते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैव हायर प्रिसिडेंस देन असाइनमेंट ऑपरेटर। यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं उसमें आपको असाइनमेंट ऑपरेटर्स से अगर कंपेयर किए जाएं तो बहुत ज्यादा हायर प्रिसिडेंस देखने को मिल जाती है। जैसे कि अब यहाँ पे लिखा है इंट एक्स इक्वल टू 5, इंट वाई इक्वल्स टू 10, इंट जेड इक्वल टू 15 और एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड। यानी तीन वैल्यूज दे दी है उसको जो है वो आपने स्टोर करवाना है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गई। इसमें कह रहे हैं दिस इवेल्युएट्स द एडिशन फर्स्ट देन असाइन द रिजल्ट टू एक्स। सबसे पहले क्या होगा कि जो वाई और जेड की वैल्यू है उनको ऐड किया जाएगा, वो ऐड करने के बाद फिर जो है वो आप एक्स की वैल्यू को वहां पर असाइन करवा देंगे। तो इस तरह से जो है वो इसको किया जाता है, यानी कि कौन सी वैल्यूज को आप सबसे पहले जो है वो इवेल्युएशन उसकी करवा रहे हैं। इसी तरह से अगर यहाँ पर देखें यूनरी ऑपरेटर्स हैं, इसमें क्या है, यूनरी ऑपरेटर्स हैव हायर प्रिसिडेंस देन बाइनरी ऑपरेटर्स। मिसाल के तौर पर देखें इंट एक्स इक्वल टू 5, इंट वाई इक्वल टू माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसमें क्या होगा, दिस इवेल्युएट्स द नेगेशन ऑफ एक्स फर्स्ट देन मल्टीप्लाइज इट बाय 3। अब यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले जो एक्स की वैल्यू है उसको माइनस किया जाएगा और उसके बाद फिर जो है वो 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशंस को आप सॉल्व कर रहे होते हैं ये आपके ऑपरेटर प्रिसिडेंस कहलाते हैं। और ये जो आपका यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह की वैल्यूज आपकी यूनरी ऑपरेटर्स में आ जाती हैं। देन हमारे पास मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ऑपरेटर्स की अगर बात करते हैं तो ये आपकी हायर प्रिसिडेंस देखने को मिलती हैं अगर इनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर से कंपेयर किया जाता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें एग्जांपल में एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की 10 है, जेड की 15 है, इन रिजल्ट एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय जेड। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि वाई और जो जेड की वैल्यू है सबसे पहले उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा, देन उनका जो आंसर आएगा उसको आप एक्स की वैल्यू में
ऐड करवा देंगे, तो ये जो है वो आपकी क्या होगी कि मल्टीप्लीकेशंस या डिवीजन की जो प्रेसिडेंस हैं वो ज्यादा हाई रहती हैं एज कंपेयर टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसी तरह से अब आप यहाँ पर देखें, पैरेंथेसिस कैन बी यूज टू ओवरराइड ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अब यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की 10 है, जेड की 15 है, इंट रिजल्ट एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट के नाम से, जिसमें हमने एक्स प्लस वाई को ब्रैकेट में रखवाया, देन उसको मल्टीप्लाई करवा दिया जेड से। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो एक्स और वाई की वैल्यू है, क्योंकि अब अगर आप देखें, अगर ये ब्रैकेट्स नहीं होती तो आप सबसे पहले क्या करते, वाई और जेड की जो मल्टीप्लीकेशन हो रही है उनकी क्योंकि हायर प्रिसिडेंस है, तो ये आप सबसे पहले मल्टीप्लाई करवाते, उसका जो आंसर आता उसको एक्स से प्लस करवाते। लेकिन अगर हमने एक्स प्लस वाई में जो है वो ब्रैकेट्स का यूज किया है, पैरेंथेसिस का यूज किया है, तब क्या होगा कि एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है वो सबसे पहले इवेल्युएशन की जाएगी उसकी, देन उसके बाद जो उनके आंसर आएंगे उनको आप जेड से मल्टीप्लाई करवा देंगे। देन इसी तरह से हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर्स आ जाते हैं, जिसमें हायर प्रिसिडेंस देखी जाती है अगर उनको असाइनमेंट ऑपरेटर से जो है वो कंपेयर करवाया जाता है। अब देखें, यही एक एक्सप्रेशन आपको दी गई है, ठीक है, कंडीशनल एक्सप्रेशन। इसमें क्या है कि दिस यूजेस द कंडीशनल ऑपरेटर टू कंपेयर एक्स एंड वाई की वैल्यू को आप कंपेयर करवा रहे हैं और उसको असाइन करवा रहे हैं द लार्जर वैल्यू टू जेड। यानी कि अब क्या होगा कि 10 और 15 को कंपेयर करवाएंगे और उनमें जो भी वैल्यू कंपेयर होने के बाद ग्रेटर देन होगी उसको जेड में क्या करवा दिया जाएगा, कम असाइन करवा दिया जाएगा। तो इस तरह की वैल्यूज आपकी कंडीशनल ऑपरेटर्स में आ जाती हैं, और इसमें भी प्रिसिडेंस ऑपरेटर्स का जो है वो यूज किया जाता है। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि ऑपरेटर प्रिसिडेंस किसको कहते हैं, यानी कि एक एक्सप्रेशन के अंदर कौन सी वैल्यूज को हमने पहले जो है वो इवेल्यूशन उसकी करवानी है, ब्रैकेट्स लगी हैं तो कौन सी वैल्यू पहले सॉल्व की जाएगी, ब्रैकेट्स नहीं है तो कौन सी वैल्यू बाद में सॉल्व होगी, एडिशन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ये तमाम जो है वो आपके ऑपरेटर प्रिसिडेंस में आ जाते हैं। इनको जो है वो सी लैंग्वेज में इस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।